हेलो ऑल ऑफ यू, आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज जागीर क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। एज यू ऑल नो कि इससे पहले मैं 3 वीडियो और बना चुका हूँ जो कलेक्शन ऑफ डेटा पे बेस्ड हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाकर सबसे पहले उन्हें देखिए और उसके बाद इस वीडियो पे आइए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, किन सिचुएशंस में ये यूजफुल होता है। तो बेसिकली इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन रेफर्स टू दैट प्रोसेस इन विच द इंफॉर्मेशन इज नॉट कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल दोज हु आर डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर स्टडी, रादर देन इट इज कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल दोज हु आर इन पोजेशन ऑफ सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दोज कंसर्न पार्टीज। यानी कि वो थर्ड पार्टीज जिनके पास वो इंफॉर्मेशन है और हम उनसे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ना कि उन लोगों से जिनके पास जो इस स्टडी से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समटाइम्स इट हैपन्स कि कि आप किसी थर्ड पार्टी से अगर वो चीज़ें पूछते हैं तो वो ज़्यादा क्लियर तरीके से आपको बताने में हेल्प करती हैं, कलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। जैसे कि अगर मैं आपके क्लूज अगर मैं आपकी क्लास में आके अगर मैं पूछूं कि देर आर हाउ मेनी स्टूडेंट्स दोज हु प्ले पबजी, तो यहाँ पर पबजी जो है कितने बच्चे खेलते हैं, तो ऑब्वियसली एक क्लास के अंदर डायरेक्टली सारे बच्चे मुझे नहीं बताने वाले हैं ये कि कितने टाइम तक वो खेलते हैं। बट डेफिनेटली इफ आई आस्क देयर फ्रेंड्स या फिर उनके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, अगर मैं उनसे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँ, आई थिंक उस केस में वो लोग मुझे ज़रूर ये बता सकते हैं कि कितने लोगों को कितने घंटे तक खेलने की आदत है। तो बेसिकली इन दिस केस द कंसर्न पार्टी वुड नॉट लाइक टू कम इन टू लाइट डायरेक्टली, और कोई भी डायरेक्टली उस बात का आंसर नहीं देना चाहेगा स्टूडेंट, तो आप कितनी देर खेलते हैं, कितनी देर पढ़ते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ लाइक अगर मैं कॉलेज में जाऊँ और कॉलेज में पूछूँ कि कितने बच्चे जो हैं स्मोक करते हैं, तो कितने स्टूडेंट स्मोक करते हैं, तो डेफिनेटली दे विल नॉट कम डायरेक्टली कि हाँ ठीक है हम लोग स्मोक करते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि मुझे जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी थर्ड पार्टी, यानी कि उनके रिलेटिव से, उनके नेबरहुड से, लेक्चरर्स से, तो इन लोगों से मैं ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता हूँ। वन मोर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर इफ आई वॉन्ट टू नो द वर्किंग कंडीशंस ऑफ वर्कर्स, तो वर्कर्स को उस चीज़ के बारे में इतना अच्छे तरीके से मालूम नहीं होगा जितना एम्प्लॉयर को जो है उन कंडीशंस के बारे में पता है। तो आई वुड लाइक टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द एम्प्लॉयर इंस्टेड ऑफ वर्कर्स। सो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज दैट मेथड इन विच इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम द थर्ड पार्टीज और द अदर पीपल दोज हु आर इन पोजेशन ऑफ दैट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड दे आर नोन एज विटनेसेस। हम जो लोग ऐसे होते हैं जो इन्फॉर्मेशन पोजेस करते हैं किसी पर्सन के बारे में या किसी स्टडी के बारे में, तो उनको हम विटनेसेस बोलते हैं। विटनेसेस से हम वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हैं एंड देन हमारे जो है आगे की चीज़ कंटिन्यू होती है। तो ये रही इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पर इसके जो है सूटेबिलिटी आती है, सूटेबिलिटी के बाद हमारे पास यहाँ पर आता है मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो लेट मी राइट सूटेबिलिटी फर्स्ट, देन विल डिस्कस द सूटेबिलिटी। सो अगर मैं बात करूं सूटेबिलिटी की, तो एज यू ऑल कैन सी कि यहां पर जो ये मेथड अगर किन सिचुएशंस में अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस दिस मेथड इज सूटेबल, तो यहां पर सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है वो आती है रिलेटिवली लार्ज एरिया ऑफ स्टडी। देखिए यहां पर हमने जो पहला मेथड यहां पर किया हुआ है वो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, और डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन तब यूजफुल होता है व्हेन द एरिया ऑफ स्टडी इज वेरी स्मॉल। तो यहां पर हम बहुत ज्यादा वाइड एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर एरिया विच इज कंपेरेटिवली विच इज रिलेटिवली लार्जर देन दी एरिया ऑफ स्टडी इन केस ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो वहां से थोड़ा सा एरिया यहां पर लार्ज होता है। व्हेन इन्फॉर्मेंट्स आर अनेबल टू गिव इन्फॉर्मेशन, देखिए यहां पर जो इन्फॉर्मेंट्स हैं, हम जिनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं एंड द वे वी आर आस्किंग द क्वेश्चंस, तो कई बार ऐसा होता है वो कंफर्टेबल फील नहीं करते, वो समझ नहीं पाते ड्यू टू इलिटरेसी और इग्नोरेंस। तो इस केस में वी आर नॉट एबल टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स एंड दैट इज वाई वी कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टीज जो उनके बारे में जानती हैं। तो डायरेक्टली हम जिससे इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उससे हम कई बार इतने लिटरेट नहीं होते हैं, इतने अवेयर नहीं होते हैं, दैट इज वाई वी आर नॉट एबल टू गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम
तो उस केस में इस मेथड को यूज किया जाता है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नॉट पॉसिबल विद द इन्फॉर्मेंट्स, जब इन्फॉर्मेंट्स के साथ आपका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट पॉसिबल नहीं होता, यानी कि उनसे आप उनसे आपकी जो बात है वो डायरेक्टली नहीं हो पाती है। एंड द अनदर सुटेबिलिटी पॉइंट ऑफ सुटेबिलिटी इज एक्सपर्ट ओपिनियन इज रिक्वायर्ड। सी, काफी बार ऐसा होता है कि हमें किसी स्पेसिफिक चीज के रिगार्डिंग लाइक वी नीड सम एक्सपर्ट ओपिनियन और इंफॉर्मेशन जब किसी पर्सन के पास होती है बट वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ऑन द कॉन्ट्रेरी द पर्सन द अदर पीपल आर एबल टू गेट अ गुड आइडिया एंड दे आर एबल टू गिव यू नो एन एक्सपर्ट ओपिनियन बेसिकली। तो वहां पर ये इंफॉर्मेशन इस टाइप का जो मेथड होता है ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। लेट्स से अगर मैं बात करूं जो ज्यादातर बच्चों को एग्जांपल मैं देता हूं कि दो स्टूडेंट्स थे जिनमें से एक कॉमर्स का स्टूडेंट था और एक साइंस का स्टूडेंट था और उनके सामने एक प्लेन क्रैश हो गया। तो जब मीडिया पर्सन वहां पर आए और उन्होंने देखा, उनसे इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करने की कोशिश की, तो जो अब देखा दोनों ने लाइक प्लेन क्रैश होते हुए दोनों ने देखा एक फील्ड में, लेकिन कॉमर्स के स्टूडेंट ने ज्यादा नहीं बताया वहां पर कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसने ही जस्ट सेड कि कुछ प्लेन आया और वो जस्ट क्रैश हो गया एंड नथिंग एल्स। ऑन द कॉन्ट्ररी इफ यू टॉक अबाउट द स्टूडेंट हु इज ऑफ साइंस स्ट्रीम, जो उसने इतना ज्यादा गौर से नहीं देखा था या फिर इतना डीपली एनालाइज नहीं किया था जितना कॉमर्स स्टूडेंट ने किया था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा उसको समझ के और देख के काफी सारी चीजें जो है वो बता पाया। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए साइंस स्टूडेंट ने उसको कुछ ऐसे एक्सप्लेन किया कि प्लेन जो है मैंने जब देखा वो काफी हद तक नीचे आ चुका था और वो राइट हैंड साइड से जो है टिल्ट हो चुका था और मुझे लगता है कि उसके राइट इंजन में थोड़ा सी प्रॉब्लम आने की वजह से जो है फ्रिक्शन लेवल जो है वहां पर बढ़ गया जिसकी वजह से उसमें आग लग गई और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो जो प्लेन जो है वो क्रैश हो गया। और इस तरीके के कुछ और भी टर्म्स वहां पर यूज करके उस बात को एक्सप्लेन किया जा सकता था और उस बच्चे ने किया। तो यहां पर एक एक्सपर्ट ओपिनियन आपको मिला, जो कॉमर्स स्टूडेंट ने जब उसको एक्सप्लेन किया तो वो इस तरीके के जो है आपको हिंट्स नहीं दे पाया, इस तरीके की एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। सो बेसिकली व्हेन सच काइंड ऑफ थिंग हैपेंस इन दैट केस एक्सपर्ट ओपिनियन आर ऑफ ग्रेट यूज। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इस मेथड की अगर मैं बात करूं तो जो एक्सपर्ट ओपिनियन है यहां पर इसका एक मेरिट भी होता है, यानी कि आपसे या फिर यू नो आपको उस चीज के बारे में काफी अच्छी नॉलेज उस केस में मिल जाती है। तो इसके बाद हम बात करेंगे सुटेबिलिटी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सुटेबिलिटी के बाद हम यहां पर बात करेंगे इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की। तो हमारे पास यहां पर मेरिट्स जो हैं वो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के मेरिट्स हमारे पास यहां पर व्हाइट बोर्ड पर अवेलेबल हैं, और अगर मैं इनको एक्सप्लेन करूं तो आप इस तरीके से इनको समझ सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो आता है मेरिट्स का उसमें आता है स्टडी ऑफ लार्जर एरिया। देखिए रिलेटिवली यहाँ पर जो है वाइड एरिया होता है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, तो वहां से जो है थोड़ा एरिया इसका वाइड होता है, इसलिए आप यहाँ पर कह सकते हैं इट कवर्स वाइड एरिया एज कम्पेयर टू डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। जो मैंने आपको जो इसका एक वीडियो बताया था बनाया है उसमें मैंने एरिया के बारे में, कॉस्ट के बारे में और इन सब के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी, और आई होप वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इकोनॉमिकल होता है, यानी कि यहाँ पर कॉस्ट जो है कम इन्वॉल्व होती है, मेहनत बहुत कम लगती है एज कम्पेयर टू डीपीआई एंड डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में जितनी कॉस्ट लगती है, मैन पावर लगती है, टाइम लगता है, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पर टाइम कॉस्ट मनी जो तीनों चीजें बहुत कम, टाइम कॉस्ट एंड लेबर तीनों कम लगती हैं यहाँ पर फ्री फ्रॉम बायस। देखिए यहाँ पर हमें पता है कि वी आर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दोज इन्फॉर्मेंट्स हु आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दी कंसर्न पार्टीज और कंसर्न स्टडी बेसिकली, तो वो हमें जो है एक बायस अनबायस जो है इन्फॉर्मेशन देते हैं एंड दैट इज वाई वी आर एबल टू से दैट इट इज दिस मेथड इज फ्री फ्रॉम बायस। देखिए ये डिपेंड करता है कि आप क्या लिख रहे हैं, किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि इसके डीमेरिट्स में आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि दिस इज अ बायस मेथड, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि हमारे इन्फॉर्मेंट्स कैसे हैं। तो अगर इन्फॉर्मेंट्स यानी कि विटनेसेस अगर हमारे ठीक हैं, अगर वो अनबायस्ड हैं, तो हमारी जो है जो कलेक्शन हमने किया है इंफॉर्मेशन का वो भी अनबायस्ड होगा, और अगर वो बायस्ड हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन भी बायस्ड होगी। एक्सपर्ट ओपिनियन जिसको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से जो है सर्कल किया हुआ है, तो ये एक इसका बहुत यू नो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्सपर्ट ओपिनियन मिल जाते हैं लाइक जब इन्फॉर्मेंट जो है, जब कंसर्न पार्टी जो है इतना
हमें इंफॉर्मेशन देने में अनेबल होती है, और हमें उस टाइम पे एक्सपर्ट ओपिनियन मिलते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये मेथड जो है बहुत सिंपल होता है, लाइक इट डजन इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, तो बहुत ज्यादा सिंपल मेथड होता है ये, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो ये इसके हुए मेरिट्स। अगर मैं इसके डीमेरिट्स की बात करूं तो डीमेरिट्स में हमारे पास जो है यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं डीमेरिट्स की, तो बेसिकली यहां पर क्या है कि लैक ऑफ एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर हम देखें इस मेथड को, तो लैक ऑफ एक्यूरेसी का मतलब यहां पर कि एक्यूरेसी जो है, ओरिजिनलिटी जो है डेटा की, वो इतनी ज्यादा नहीं रहती, क्योंकि हम डायरेक्टली जिस पर्सन से रिलेटेड या जिस स्टडी से रिलेटेड चीजें हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, वो उससे नहीं पूछ के किसी थर्ड पार्टी से हम जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। सो दैट इज वाई दैट रेज अ क्वेश्चन मार्क ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द डेटा। यहां पर उसके बाद बात आती है इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन। देखिए यहां पर बात वही है, एक्यूरेसी कम हो जाती है किसी दूसरे से पूछने, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है हमें। तो यहां पर इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि यहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो हमें डायरेक्टली उस पर्सन से नहीं मिली है जो उस चीज से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है या जिससे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो यहां पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये डाउटफुल हो जाती है, इनडायरेक्टली कलेक्ट की इंफॉर्मेशन होती है क्योंकि थर्ड पार्टी से हमने कलेक्ट की है, डाउटफुल भी हो जाती है, जिसको हम नेक्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन करेंगे। बायस, देखिए मैंने यहां बताया था आपको कि ये फ्री फ्रॉम बायस होती है और ये डिपेंड करता है इन्फॉर्मेंट्स पे, जिससे विटनेसेस पे, जिनसे हम जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर वो बायस्ड है तो हमारी इन्फॉर्मेशन बायस्ड होगी, अगर वो फ्री फ्रॉम बायस्ड है या अनबायस्ड है तो हमारी इन्फॉर्मेशन भी अनबायस्ड होगी। एंड देर कुड बी सम चांसेस, अगर आपके इन्फॉर्मेंट्स बायस्ड हैं तो द इन्फॉर्मेशन विच यू हैव कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, वो भी इन्फॉर्मेशन आपकी बायस्ड होगी। यहां पर हम बात करते हैं डाउटफुल कंक्लूजंस। देखिए यहां पर कई बार ऐसा होता है कि जो इन्फॉर्मेंट्स हैं, जो विटनेसेस हैं, वो बहुत केयरलेसली इन चीजों का जवाब देते हैं, दे डोंट टेक इट सीरियसली, एंड दैट इज व्हाई होता क्या है कि कुछ डाउटफुल कंक्लूजंस वहां पर हमारे सामने आ सकते हैं। क्या पता उन्होंने क्वेश्चन को सुना ना हो, क्या पता वो थोड़ा इरिटेट फील कर रहे हो, तो इस वजह से हमारे जो है क्वेश्चंस का आंसर प्रॉपरली ना दिया हो, ना सुना हो, तो इस वजह से यहां पर कुछ डाउटफुल कंक्लूजंस भी आते हैं। और लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जैसे कि यहां पर हर एक जो विटनेस है वो अलग अलग तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो दैट्स वाई इट्स द इन्फॉर्मेशन इज नॉट यूनिफॉर्म हियर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो काफी सारी बुक्स में जो है इसके प्रिकॉशंस भी गिवन होते हैं कि क्या होगा कि अगर यहां पर किन सिचुएशंस में ये यूज किया जाना चाहिए। लाइक सूटेबिलिटी तो हमारे पास है यहां पर, बट सूटेबिलिटी के बाद भी यहां पर काफी सारी चीजें आती हैं कि जैसे ये जो है विटनेसेस जो हैं वो थोड़े से मतलब ज्यादा होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपने किसी एक विटनेस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया और उसके बेसिस पे आपने कंक्लूजन निकाल लिया। ये प्रिकॉशंस मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। और इसके बाद जो है कई बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टिगेटर को कोई भी डिसबिलीफ नहीं होना चाहिए कि या कंप्लीटली जो है किसी इंफॉर्मेंट या विटनेस को बिलीव नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि विश्वास भी ना करे और ऐसा ना हो कि बहुत जल्दी विश्वास कर ले। सो मीन्स वहां पर कहीं ना कहीं जो है एक क्रॉस चेक किया जाना जरूरी है अलग अलग नंबर ऑफ विटनेसेस से। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि जो विटनेस हमने सिलेक्ट किए हैं वो सफिशियंट इंफॉर्मेशन जो है उस स्टडी के बारे में पोजेस नहीं करते, और उस वजह से भी हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती है स्टडी जो है, हम जो इन्फॉर्मेशन के बारे में करना चाहते हैं उस इन्फॉर्मेशन को लेके वो सही प्रूव नहीं होते, सो दैट कुड बी अ प्रॉब्लम। प्रिकॉशंस की अगर मैं बात करूं यहां पर किसी भी मेथड के, तो मैंने आज तक कहीं भी किसी स्कूल के पेपर में ये नहीं देखा कि वहां पर प्रिकॉशंस वगैरह पूछे गए हैं, बट टू बी ऑन द सेफर साइड इट्स बेटर कि आप अगर प्रिकॉशंस आपकी बुक में दिए हुए हैं तो आप वो कर लें। तो मैं जो बुक्स यूज करता हूँ ज्यादातर उनमें प्रिकॉशंस नहीं दिए जाते, सिर्फ सूटेबिलिटी दी जाती है, और वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं आप, तो एक काम जो आपको बिल्कुल बिल्कुल करना ही करना है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और उसके बाद जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा जितना अच्छा रिस्पांस आपको जो है आप मुझे इस वीडियो पे देंगे, उतने ज्यादा वीडियोस में और जो है बनाने की कोशिश करूंगा। तो अभी जैसे काफी बार रिक्वेस्ट आ रही है मेरे पास स्टूडेंट्स की इन वीडियोस को लेके, तो आई हैव जस्ट स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस ऑन सच काइंड ऑफ टॉपिक्स, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी यू नो ह्यूज रिस्पॉन्स ऑफ योर्स ऑन माई वीडियोज। सो कीप वॉचिंग मनोज जाएंगे क्लासेस, और अगर आप फॉलो करना चाहते हैं हमें
हमारे सोशल हैंडल पर, तो मनोज जांगर क्लासेस के नाम से FB अकाउंट है हमारा और इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। आप चाहें तो अकेडमिक ट्रबल शूटर्स को भी लाइक कर सकते हैं, जो हमारा फेसबुक पेज है जिसके ऊपर हम इस तरीके की इन्फॉर्मेशन और ये वीडियोज पोस्ट करते रहते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल। Hello, my name is Shaurya and I was taught by Manoj sir for the session 2018-19. It was only due to his consistent hard work, thorough notes and videos and his in-depth knowledge of the subject that I was able to get a 93 out of 100 in economics. I would be happy to say that you are in the right hands if you are being taught by Manoj sir. Thank you for watching.